हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स इन डिस्कस अबाउट ए गवर्नमेंट स्कीम दैट इज गोवर्धन एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्री कॉम्पिटेटिव एज वेल एज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो लेट्स टू द फर्स्ट लाइट सो फर्स्टली वी विल डिस्कस वट इज गोवर्धन स्कीम गोवर्धन स्कीम क्या है सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे गोवर्धन स्कीम इट मीन्स गेलवेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन इसका फुल फॉर्म है गेलवेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक बायो वेस्ट है उन सबको उनको मैनेज करके उनकी रिसाइकलिंग करके उनके ऐसे रिसोर्सेज बनाना जिससे इनकम जनरेट हो तो गोवर्धन स्कीम में यही है आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे पूरा कि गोवर्धन स्कीम में क्या क्या कॉम्पोनेट्स हैं क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो ये है इन थर्टीथ अप्रैल 2018 एक तो ये हो गया कि 30 अप्रैल 2018 को ये लॉन्च किया गया था और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एट एन जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में सिचुएटेड यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्पोनेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो स्वच्छ भारत मिशन है ये उसी का समझ लो वा एक अम्ब्रेला स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं उनमें से ये स्कीम है गोवर्धन स्कीम इट विल इम्पैक्ट द विलेज क्लीनिनेस एंड जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम केटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट तो यहाँ पर क्या बात करी गई है कि आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है मान लो आपकी कोई फसल है उसका रेसिड्यू है आपके लीव्स है रूट्स है जो अदर पार्ट्स होते हैं जो आपके अननेसेसरी पार्ट्स हैं वो हो गया बाकी एनिमल वेस्ट आपका काउडंग हो गया तो इन चीज़ों को क्या करना इनको रिसाइकल करके इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना एनर्जी इन द सेंस आपका लाइक बायोगैस प्रोड्यूस कर दिया जिससे या आपका कोई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कंप्रेस बायोगैस का बनाना जिससे आपको फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर सकते हो तो उस एनर्जी से क्या होगा अल्टीमेटली जो आपका रूरल एरिया है वहां पर उनकी वेल्थ जो उनकी इनकम है उसकी भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उनकी इनकम को भी ये बढ़ाएगा ठीक है साथ ही साथ जो रूरल एनवायरनमेंट है या रूरल एरिया है वहाँ पे ये साफ सफाई का भी ध्यान देगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करके उसका बेनिफिशियल यूज कर रहे हैं ठीक है तो ये तो हमने मोटा मोटी देख लिया गोवर्धन स्कीम क्या है और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और ये बहुत सारी मिनिस्ट्री इसके अंडर में आती है अदर अदर मिनिस्ट्रीज की सपोर्टिव हैं बट जो मेन कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है गोवर्धन स्कीम के लिए दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो हमने आगे बात करी दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ठीक है तो और कौन कौन से इसके मिनिस्ट्री हैं वो हम देख लेते हैं लाइक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर भी कुछ स्कीम्स चलती हैं जो सपोर्ट करती है आपकी गोवर्धन स्कीम की अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो लाइक आपका नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम नेशनल बायो अनर्जी प्रोग्राम तो ये स्कीम भी सपोर्ट करती है आपकी गोवर्धन स्कीम को इसके अंडर जो आपका ये एक अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया गया था और ये चलेगा आपका 2026 तक इसी के साथ साथ जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके अंदर भी एक स्कीम चलाई जाती है सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन और यह आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके अंदर टारगेट रखा गया है कि जो आपका कंप्रेस्ड बायोगैस है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना अप टू जो आपका 15 मिलियन मेट्रिक टन का जो प्रोडक्शन है यह करना यह टारगेट रखा गया है इसके अलावा लाइक आपका मिनिस् डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो इसके सपोर्टिव हैं अब इसके साथ साथ जो हमने पहले बात करी थी कि गोवर्धन स्कीम आपके स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो ग्रामीण वाला कॉम्पोनेंट है उसके अंदर आती है तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगी स्वच्छ भारत मिशन में कैसे अपना योगदान देगी तो मैं बताना चाहूँगा जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके मेनली दो कॉम्पोनेंट हैं जो विलेजेस को क्लीन करने का टारगेट रखा गया है ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस को बनाना जो खुले में शौच किया जाता है उससे ये मुक्त कराना ग्राम को तो इसके अलावा और इसके साथ साथ एक और है कि आपका जो ओ डी एफ प्लस एक्टिविटीज़ ओपन डेफिकेशन फ्री एक्टिविटीज़ हैं लाइक जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कुछ मैनेज करके या कुछ रिसाइकल करके सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि एनर्जी में भी उसका यूज़ हो और वो इनकम जनरेट करें ठीक है अभी तक बात करी जाए तो अप टू ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट फाइव लाख विलेजेस 374 थ्री एंड 16 स्टेट एंड ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है अब नेक्स्ट मूव गवर्नमेंट का यह है कि इनको ओडीएफ प्लस एक्टिविटीज में इनका काम किया जाए इन विलेजेस में और ओडीएफ प्लस एक्टिविटीज ये सारी आती हैं जो हम ऑर्गेनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं ठीक है अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोवर्धन स्कीम पहला ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट विलेजेस सेफली मैनेज दियर कैटल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट एंड मेक द विलेज क्लीन पहला तो ये हो गया कि विलेज की जो क्लीनिनीस है उसको बढ़ाना वो कैसे बढ़ाना जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट है एनिमल वेस्ट है उन सबको रिसाइकल करके या मैनेज करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना ठीक है दूसरा हो गया आपका टू सपोर्ट कम्युनिटीज इन कन्वर्टिंग कैटल एंड ऑर्गेनिजेशन टू वेल्थ जो इनकम का सोर्स है उसको बढ़ाना इससे ये कुछ एनर्जी प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके बाद उसको ये सेल करेंगे या जो भी करेंगे उससे इनकी इनकम जनरेट होगी अगला है टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट स्पेशली कैटल वेस्ट इन द बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मेन्योर तो रूरल एरिया में क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है आपका एनिमल डंग है तो ये ईजीली अवेलेबल रहता है अगर वो इसको मैनेज कर लें इससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लें कि उसका जो मेन प्रोडक्ट है और बाई प्रोडक्ट दोनों का दोनों काम आ जाए मेन प्रोडक्ट मान लीजिए आपने बायोगैस का प्लांट लगाया बायोगैस से आपको बायोगैस मिलेगा और साथ ही साथ जो बचा कुचा आपका बाय प्रोडक्ट है लाइक like स्लरी है उसको आप एज ए ऑर्गेनिक मेन्यर यूज़ कर सकते हो आप अपने खेत पर तो यहाँ पर क्या होगा आप फर्टिलाइजर का भी इरेडिगेशन हो जाएगा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसको भी ये कम कर देगा जो फार्मर्स या मान लो कोई स्टेट या कोई फार्मर कम्युनिटी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती है तो उस केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ठीक है अगला ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट सैनिटेशन को बढ़ाना और साथ ही साथ जो डिजीजेस होती हैं वैक्टरबॉर्न डिजीजेस जो गंदगी में पैदा होती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है तो उन सबको भी ये कम करेगा इसके साथ साथ टू प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा ये कैसे जो हम बताया था आपको पहले कि ये इनकम जनरेट करने का एक सोर्स है अगर एनिमल वेस्ट को रिसाइकल करके कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए तो उससे भी इनकम जनरेट करी जा सकती है फॉर एंटरप्रेन्योर्स एस एच जी यूथ ग्रुप्स एक ऑब्जेक्टिव और ऐड करना चाहूँगा कि गोवर्धन स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो इंडिया की है इकोनॉमी उसको सर्कुलर इकोनॉमी बनाना सर्कुलर इकोनॉमी इसका मतलब ये कि जो आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कंजप्शन होने के बाद उसका दोबारा दु, से मैनेजमेंट करके जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करके उसको दोबारा से रिसाइकिल करके उसका यूज़ करना तो इसको बोला जाता है सर्कुलर इकोनॉमी इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ कुछ उनको भी ये सपोर्ट करता है गोवर्धन स्कीम ठीक है लाइक like जो आपका मेन मेन है क्लाइमेट एक्शन आपका लाइफ बिलो वाटर लाइफ ऑन लैंड और इसके साथ साथ जैसे आपका सस्टेनेबलिटी को ये प्रमोट करता है क्लीन वाटर सैनिटेशन को करता है ठीक है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी तो ऐसे कुछ हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें से ये इनको सपोर्ट करता है अब यहाँ पर बात आती है जो आपका गोवर्धन स्कीम है इसके लिए एक पोर्टल डिजाइन किया गया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पर जो कैंडिडेट या जो इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर्स या कोई ग्रुप कम्युनिटी अगर वो चाहते हैं कोई बायोगैस प्लांट को, को सेटअप करने का तो उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है तो जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही उनको ये बेनिफिट मिलेगा बाय द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और अदर जितने भी आपके सपोर्टिंग एजेंसी हैं उनसे तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल बायोगैस प्लांट आर ऑफ मिनिमम फाइव सी यू एम कैपेसिटी आर एलिजिबल टू रजिस्टर इन द पोर्टल ठीक है इतना कैपेसिटी का अगर बायोगैस है वो लोग ही यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे इसके अलावा रिसेंट अनाउंसमेंट या अचीवमेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो पिछले लास्ट ईयर फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोवर्धन प्लांट जो कि इंदौर में है यहाँ पे इन्होंने सेट किया और यहाँ पे इन्होंने ये टारगेट रखा कि वो 19,000 थाउजेंड के जी बायो जो आपको कंप्रेस नेचुरल गैस है उसका ये प्रोडक्शन किया जाएगा ठीक है एक तो ये हो गया इसके साथ साथ जो आपकी निर्मला सीतारमण है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने अपने जो ग्रीन ग्रोथ वाले सेगमेंट हैं इसमें स्पेशली ये ऐड किया है कि 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर 200 हंड्रेड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे 75 इन अर्बन एरिया 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट एट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ अमाउंट आपको याद रखना है कि 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आपका 200 सौ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे इसके अलावा सेवेंटी अर्बन एरिया में और तीन कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट ये सेटअप किए जाएंगे इन इंडिया ठीक है इसके अलावा एक और यहाँ पर ऐड करूंगा कि जो आपका स्टेट है त्रिपुरा वो इंडिया का पहला स्टेट है जिन्होंने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गोवर्धन प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है चलिए अगली स्लाइड में जाते हैं मॉडल की बात करें तो यहाँ पर टोटल चार मॉडल हैं मॉडल ए बी सी डी अब इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो कम्पोनेंट है इसमें आएंगे एक तो आपका ग्राम पंचायत वाला कॉम्पोनेट है मॉडल ए मॉडल बी में आपका एस एच फेडरेशन मॉडल सी में बल्क वेस्ट जनरेटर या एंटरप्रेन्योर वाला जो है एंड मॉडल डी में आपका जो अदर एलिजिबल एंटरप्राइज आते हैं इन सबको छोड़ के वो सारे आ जाएंगे मॉडल डी में तो यहाँ पे इन मॉडल्स में क्या क्या है इस मॉडल में यह है कि जो आपका जो जी है ग्राम पंचायत है अगर उसमें हाउस होल्ड वन के अराउंड हैं तो वहाँ पे सात लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तीन सौ तक है तो बारह लाख पाँच सौ हैं तो पंद्रह लाख एंड फाइव हंड्रेड हैं तो ट्वेंटी लाख ठीक है तो उस हिसाब से ग्राम पंचायत के हिसाब से ये अलग अलग यहाँ पर मॉडल सेट किए गए हैं अब बात यहाँ पर ये आती है कि बायोगैस क्या है बायोगैस की तो हमने बात कर ली कि गोवर्धन स्कीम में हम जो बायो गैस प्लांट है इसका सेटअप करेंगे और उससे बायोगैस का जो जनरेशन होगा प्रोडक्शन होगा उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा एज ए एनर्जी सोर्स तो बायोगैस है क्या बायोगैस इज़ ए को प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन एनारोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी पे जो बायोगैस का जो डिकम्पोजिशन uh, किया जाता है जो बा, आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट है एनिमल वेस्ट है काउडंग तो इन सबको एक साथ ये uh, बायोगैस में बनाया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बायोगैस में क्या क्या होता है 55 methane, like आपका 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट ऑफ मीथेन 35 फाइव टू फोर्टी फोर परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ट्रेसेस लाइक आपका हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया एंड नाइट्रोजन तो ये इसका कम्पोजिशन है बायोगैस का इसके अलावा बायोगैस का कंप्रेस करके यहाँ पे एक कंप्रेस्ड बायोगैस भी बनाया जाता है जो कि आपका एज ए फ्यूल ग्रीन फ्यूल यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फिलिंग ऑफ सिलेंडर्स तो ये हमने बायोगैस के बारे में पढ़ा अब मैंने आपको एक पहले बताया था सतत स्कीम के बारे में जो कि आपका सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन तो ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो कंप्रेस बायोगैस है इसको इनक्रेज़ करना है इसके जो प्लांट्स से हैं उसको सेटअप करना उसको ये इनक्रेज करता है आपका सतत स्कीम और यहाँ पे ये टारगेट भी रखा गया है कि 2023 जो हमारे ईयर चल रहा है 2023 एंड 24 इतने तक हमको 15 मिलियन मेट्रिक टन इतना कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन करना है तो ये टारगेट है सतत स्कीम का तो दोस्तों ये था गोवर्धन स्कीम में आई होप आपको ये पसंद आया होगा मैंने ज़्यादा उतने डिटेल में बताया नहीं इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स से जो एग्जाम्स हम आ सकते थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम टिल देन। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर